नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। आज जो मुद्दा है बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर मुद्दा उत्साह देने वाला है, यहां जो मुद्दा है वो दोबारा जीवनी शक्ति देने वाला है, यहां वो मुद्दा है जो दोबारा खड़ा करने वाला है। हालांकि ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि भारत में जो यात्राएँ हैं, रथ यात्राएँ हैं, पदयात्राएँ हैं, उनका इतिहास बड़ा निराला रहा है। अगर हम सबसे पुरानी यात्रा की बात करें तो 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती लेकर दांडी तक यात्रा की थी और नमक सत्याग्रह के लिए कहा गया था, और उद्देश्य केवल ये था कि जो नमक एक्ट था उसको ख़त्म किया जाए, नमक संबंधित बनाने पर जो कानून था उसको ख़त्म किया जाए और जो लोग उनको छोड़ा जाए। हालांकि ये जो यात्रा थी उनकी बहुत सक्सेस रही थी, बहुत सफल रही थी और तीनों उद्देश्य उनके सफल हुए थे और इसको नमक यात्रा कहा जाता है। 385 किलोमीटर की यात्रा थी ये। और इसके बाद जो यात्रा थी, उस यात्रा की अगर हम बात करें, 1990 में अटल बिहारी जो आडवाणी थे, उन्होंने यात्रा की, एक यात्रा निकाली थी बीजेपी के लिए, और उस यात्रा के बाद रथ यात्रा थी, उसका ये लाभ मिला था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और 85 सांसदों से जाकर 120 सांसद जाके बन गए थे उस रथ यात्रा के बाद। अगर हम सबसे बड़ी यात्रा की बात करें तो एक जो भारत में सबसे बड़ी यात्रा थी वो थी चैतन्य रथम यात्रा, जो कि तेलुगु सुपरस्टार थे टीएन राणा राव, उनकी तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके बाद उन्होंने चैतन्य रथम यात्रा निकाली थी। 75,000 किलोमीटर की यात्रा थी और इसने 4 बार आंध्र प्रदेश को कवर किया था, यानी पूरे आंध्र प्रदेश पे 4 बार इन्होंने घूम लिया था और हैदराबाद से शुरू हुई थी। और उसका लाभ ये मिला था कि उसके मात्र 6 महीने बाद टी रामा राव की पार्टी सत्ता में आ गई थी और उनकी यात्रा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो ऐसी ही एक यात्रा की चर्चा हम करने वाले हैं, वो यात्रा है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा, 150 दिनों की यात्रा और कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर पर ख़त्म होगी, जो भारत का एक कोना और दूसरा कोना है। 12 राज्यों से गुजरेगी, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा, और जिसका नेतृत्व स्वयं राहुल गांधी करेंगे। महत्वपूर्ण यात्रा, उद्देश्य भी अलग, जो एनडीए सरकार के खिलाफ असमानता का जो माहौल है उसको लेकर यात्रा निकाली जा रही है, जाति धर्म वर्ग को लेकर जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है उसके लिए यात्रा निकाली जा रही है, कांग्रेस का कहना है। और जो सत्ता और सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसके खिलाफ ये यात्रा है, महत्वपूर्ण यात्रा है। और इस यात्रा के माध्यम से यहाँ पर जो भारत जोड़ने की एक जो शुरुआत करने कांग्रेस जा रही है, इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। हालांकि जो विगत थोड़ा समय कांग्रेस की बहुत बेहतर नहीं रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, जो परिणाम रहे वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह परिणाम आए, प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, उसके बाद तमाम तरह के वादे किए गए, श्वेत पत्र जारी किए गए, पर जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने कांग्रेस की किसी भी वादे को अपना वोट या मत नहीं दिया। यहाँ तक कि 40% महिलाओं को सीट भी देने की बात कही गई थी, वो की भी, जो भी उन्होंने कहा था उसको पूरा किया, सीट देने की बात कही उसको पूरा किया, पर सत्ता में नहीं आ पाए, इसलिए और बालों की हम चर्चा नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह भी है कि इन यात्राओं के माध्यम से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रयास कर रही है किस तरह बीजेपी को केंद्र की कुर्सी से हटाया जाए, पर बीजेपी जो कि एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती, संगठन स्तर पर बहुत मजबूत है और वहाँ पर समय समय पर फेरबदल होते रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या किसी भी बड़े पद का नेता हो, वो मौका पड़ने पर पार्षदी से लेकर छोटे से चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाता है और जनता के भी जाते हैं। और अगर बीजेपी को हराना तो बीजेपी जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी बात है। पर कांग्रेस भी अब एक जो विचार बना चुकी है, कांग्रेस की सोचना ये है कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम व्यवस्थाओं को बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएँ बदलने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरह से स्थिति है कि यहाँ पर विपक्ष केवल या फिर ट्वीट पर है या हल्की फुल्की घटनाओं पर है या
यहाँ का विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी जरूर यहाँ पर समय समय पर कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ करती रहती है, आंदोलन करती रहती है। कांग्रेस भी अब शुरुआत करने जा रही है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी समय समय पर अखिलेश यादव करते हैं, पर ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिसके रास्ते होकर केंद्र की कुर्सी जाती है उस व्यवस्था में अभी फिलहाल इस तरह की जो स्वप्न देखना संभव नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्थित यहाँ रहे, हम चाहते हैं अगर यहाँ पर बेहतर काम करें, हम चाहते हैं यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त हों, और अगर कांग्रेस वास्तव में चाहती है कि 2024 का इलेक्शन है, जो चुनाव है, उसमें कुछ बेहतर हो, तो यहाँ पर इस तरह की यात्राएं ठीक हैं। पर उन यात्राओं को पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ा विषय जो यहाँ पर यह है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया है। कांग्रेस का अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फाइनल नहीं है, वो उसका भी अभी तक कोई मंथन नहीं चल रहा है। सुना जा रहा है नवंबर में बनेगा, पर नवंबर में बनेगा कैसे, कैसे किया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव के आने के चलते इस तरह की विषय वस्तु पर काम कैसे किया जाएगा, केवल यात्राओं से जो संकल्प है पूरा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ही नहीं हर वो पार्टी देश में अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई है। जिस तरह आपने देखा अभी हाल में ही बिहार में एक बड़ा फेरबदल हुआ, और जो कांग्रेस को अलग आप सोचिए तो यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन हुआ। नीतीश कुमार ऐसे में पहले भी मुख्यमंत्री थे, दोबारा उन्होंने इस्तीफा दिया और दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और तेजस्वी यादव यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाए गए। और जिस तरह से अभी हाल में ही नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं समीकरण ये नज़र आ रहे हैं कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि आने वाले जो 2024 का आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव है उसमें पूरी तरह से अन्य पार्टियों को टक्कर एकजुट करके और भाजपा को यहाँ पर टक्कर दी जाए, और भाजपा की चुनौती को व्यवस्थित करना, भाजपा की चुनौती को देखना और भाजपा से लड़ना में मेहनत और संघर्ष और साथ साथ साफगोई विशेष रूप से जरूरी है। हालांकि मैं मानता हूँ रथ यात्रा का इतिहास हमारे देश में पुराना है, पर यात्रा का इतिहास पुराना है और जो भी यात्राएं निकाली गई उससे लाभ जरूर हुआ है, पर वो लाभ आने वाले समय में कांग्रेस को होगा या नहीं होगा ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है, क्योंकि केवल विचारधारा, केवल बयान और केवल वादे करने से सत्ता नहीं मिल जाती, जैसा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम देख चुके हैं। यहाँ पर मुफ्त बिजली के वादे से लेकर स्कूटी से लेकर और तमाम वादे यहाँ पर विपक्षी पार्टी द्वारा किए गए थे, जैसे आम आदमी पार्टी भी थी और सपा भी थी, पर कांग्रेस भी थी, पर जो परिणाम सामने आए थे वो परिणाम कोई चौंकाने वाले नहीं थे। परिणाम स्पष्ट करते हैं कि जनता भी अपना मन के हिसाब से वोट देती है, जनता को जो बेहतर लगता है जनता वो करती है, और जनता जनार्दन का फैसला ही आखिरी माना जाता है। फिलहाल जो आज मुद्दा है बहुत अहम है, उस मुद्दा पर अगर हम बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जाएगा कि चर्चा का विषय है वो समय समय पर परिवर्तित नहीं होता है, समय समय से परिवर्तित करना चाहिए, और हर पार्टी को यहाँ पर बेहतर काम करने की व्यवस्था है, जो कि लोकतंत्र देश का सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी पार्टियाँ समय समय पर अपने आप को आगे करने के लिए व्यवस्थित में लगी रहती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो विचारधारा है उसको एकजुट करना है। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी व्यवस्थाएं हैं, कांग्रेस का अपनी सोच है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कांग्रेस की यात्रा सफल होती है तो सफल कितनी होती है और कितनी सफल हो पाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर सफलता है तो सफलता किस आधार पर रहेगी, क्योंकि 150 दिन की यात्रा जम्मू कश्मीर से मैं जाके ख़त्म होगी, कन्याकुमारी शुरू होगी, 12 राज्यों से गुजरेगी, 3500 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, 3 उद्देश्य हैं, और इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी, और साथ ही साथ जनता को इन उद्देश्यों के प्रति जागृत करना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ने की, तो भारत जोड़ने की बात तो पहले हम बाद में सोचेंगे, पहले हमको यहाँ पर कांग्रेस को जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से अभी हाल में ही गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है, और जिस तरह से जो एक कांग्रेस का गुट है जो कि लगातार कांग्रेस से असंतुष्ट चल रहा है, जो समय समय पर पत्र भी जारी करता है, समय समय पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते, तो कहीं ना कहीं
जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो का एक संकल्प भी लेना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, तभी भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा को आप सफल मना सकते हैं या इसका कोई उद्देश्य जो है जो आप सोच कर आए हैं उसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस यात्रा में चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि किस तरह से यहाँ पर हमने इसका यात्रा का शुरुआत की और किस तरह हमारी यात्रा का आगे ख़त्म हुई, जनता का समर्थन कैसे मिला, जनता कहाँ तक जागृत हुई, भारत कहाँ तक जुड़ा, ये तो वक्त बताएगा। पर चूँकि शुरुआत बेहतर है और शुरुआत मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी भी सत्ता के लिए किसी भी मूल उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो कम से कम एक प्रयास तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रयास नहीं करेंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि हमने किया क्या है। प्रयास बहुत ज़रूरी है और यही प्रयास फिलहाल उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी करती नज़र आ रही है, समाजवादी पार्टी भी करती नज़र आ रही है और कांग्रेस इस समय पूरे देश स्तर पर प्रयास करने जा रही है, क्योंकि 12 राज्यों से यात्रा गुजरने वाली है और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक ये चलेगी। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर इस यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, अगर इस यात्रा के माध्यम से लोग जुड़ नहीं पाएंगे, अगर इस यात्रा के माध्यम से संकल्प नहीं लिया जा सकेगा और इस यात्रा के माध्यम से अगर कांग्रेस के लोगों में कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं जगा पाए तो ऐसी यात्रा का होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इतिहास देश में पदयात्राओं का रहा है वो पदयात्राओं का इतिहास बड़ा सफल रहा है और परिवर्तन भी हुआ है और पार्टियों को लाभ भी हुआ है। हालांकि यात्रा यहाँ पर निकलती रहती है, उत्तर प्रदेश में हमेशा चुनाव की सरगर्मी चलती रहती है, यहाँ पर यात्राएँ भी निकलती हैं, यहाँ पर पदयात्राएँ भी निकलती हैं, यहाँ पर तिरंगा यात्राएँ भी निकलती हैं, यहाँ समर्थन यात्राएँ भी निकलती है, तो यहाँ पर यात्राओं का जो दौर है वो चलता रहता है। पर यात्राओं के दौर के बीच में अगर वास्तव में चीज़ें सामने निकल के नहीं आती हैं, अगर यात्राओं के दौर में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यात्राओं का होना कोई फायदा नहीं। महत्वपूर्ण विषय है और विषय पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनावी बोर्ड में चलती है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार संगठन की बैठकों का दौर जारी है। अभी हाल में ही भूपेंद्र सिंह चौधरी को, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश भाजपा का, और निश्चित रूप से जो एक पटकथा रची जा रही थी, कहा जा रहा था कि पिछड़े वर्ग से बनेगा, कहा जा रहा था कि ब्राह्मण वर्ग से बनेगा, इन सारे कयासों को बीजेपी में दरकिनार कर दिया, क्योंकि अलग शैली, अलग संगठन की व्यवस्था और अलग बदलाव, किसको कब बनाना है, किसको किस पद भी पहुँचाना है, ये बीजेपी जो ये भारतीय जनता पार्टी में हमेशा चलता रहता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि व्यवस्थित होना है, अगर हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौती देना है तो हमको कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, यहाँ परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में पार्टियाँ कुछ बेहतर कर पाए, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप के दौर कम हो, अगर हम चाहते हैं स्वस्थ राजनीति हो, अगर हम चाहते हैं कि जो राजनीति है वो जनता के मुद्दों की हो, अगर हम चाहते हैं कि जनता के लिए काम हो, अगर हम चाहते हैं विकास की बात हो, अगर हम चाहते हैं परिकल्पना की बात हो, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियाँ हैं उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सत्ता मजबूत होनी जरूरी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, कि जब तक एक बैलेंस नहीं रहता है सत्ता और विपक्ष के बीच में तब तक जनता के मुद्दों की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्षी होता है जो सरकार को बताता है कि कहाँ कमी है और सरकार को समय समय पर विपक्ष ही आगाह करता है कि अगर कोई कमी है या कोई ऐसा सरकार कोई ऐसा आदेश या ऐसा कोई कानून लाती है तो विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि सरकार को करने से रोके या सरकार को उसके लिए आगाह करे या सरकार से कहे कि इसमें संशोधन करा। जैसे हमने आप देखा है कि देश में तमाम तरह के कानून बनाए गए और उसको वापसी भी लिया गया, पर ये कानून वापसी लेने में तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका तो बहुत कम रही, पर जो आंदोलन के जो प्रणेता रहे, जिन्होंने आंदोलन किए, उनकी भूमिका बहुत आवश्यक रही। पर यहाँ पर अब ये भूमिका विपक्ष को निभानी होगी। अगर विपक्ष सोचता है कि हम चाहते हैं कि सरकार कुछ बेहतर करे, अगर हम चाहते हैं कि जनता के लिए काम हो, अगर हम चाहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति को अलग करके यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई जाए, अगर हम चाहते हैं संकल्पना भी हो, विकास की बात हो और मुद्दे जनता के लिए सामने लाए जाए, तो इसके लिए हमको तैयारी भी करनी होगी।
कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होने वाली है कल से, और आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी भी ऐसी यात्रा निकालेगी या हमारी पार्टी ऐसी यात्रा निकालेगी, क्योंकि यात्राओं का दौर पुराना रहा है और यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, बेहतर कैसे होगा। फिलहाल जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। अगर बात करें तो मेहमान के तौर पर हमारे साथ प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन सिंह यादव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हमारी पार्टी में हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा के रूप में हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़ चुके हैं, आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं, और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में वर्चस्व पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा रामनिवास यादव जी से। यादव जी, कांग्रेस की यात्रा शुरू होने वाली है कल, 12 राज्यों से गुजरनी है, 3500 किलोमीटर की यात्रा है और 150 दिनों की यात्रा है। क्या मानते हैं, क्या यहाँ पर जो कांग्रेस की जो यात्रा हो रही है, क्या प्रभाव डालने वाली है भारतीय राजनीति पर? नहीं, निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल को यात्रा कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने ऐसे माहौल में, जब उनके नेताओं पे ईडी की जांचें चल रही हैं, न्यायालय से बेल हो रही है, उस समय उससे ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार इन्होंने भारत जोड़ो का नाम दिया है, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इसको भ्रष्टाचार छोड़ो, कांग्रेसियों यात्रा निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो तो यात्रा का नाम दिया उन्होंने, उनको लगता है कि यात्रा से देश के आम जनता का, देश के वोटरों का ध्यान भटकेगा, हमारे करप्शन पर ध्यान नहीं आएगा। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो जानती है कि ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों की जननी है, और इसीलिए जब सोनिया जी पर, राहुल जी पर कार्रवाई शुरू हुई, तो आपने देखा होगा जैसे लग रहा था वो बारात में कहीं जा रहे हैं जी, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए कि न्यायालय के आदेश पे कोई कार्रवाई हो रही है, और 5 लाख रुपए देके 5000 करोड़ की संपत्ति कब्जा कर लिए हैं, तो ये अब देश में नहीं चलने वाला है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और जीरो टॉलरेंस पे, भ्रष्टाचार पे हमारी सरकार काम कर रही है। तो किसी भी भ्रष्टाचारी को, आपने देखा होगा दिल्ली में जी, जब से एक मंत्री जेल में गए, दूसरे जेल जाने वाले हैं, वो भी आए दिन नए नए नाटक कर रहे हैं, उसी प्रकार का ये कांग्रेस पार्टी का भी नाटक है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी कांग्रेसी, अगर उनको लगे कि राहुल गांधी या उनके पूरे परिवार को बचाना है, तो उनको भारत जोड़ो यात्रा ना छोड़ के इनको कांग्रेस भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। अच्छा, तब शायद जनता को समर्थन मिलता, लोगों को लगता कि शायद कांग्रेस अब से भ्रष्टाचार के प्रति फजद हो रही है, शायद आगे न करे। लेकिन उस पर तो बात ही नहीं करते, उनके वहां तो संस्कारों में आ गया है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा नेता। ठीक, ये आजाद भारत में पहले नेता हैं जी कि जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोनों करप्शन के मामले में न्यायालय से जमानत पर बाहर हैं जी। तो ये अब उनकी यात्रा है, कितना समर्थन मिलता है ये तो देश जनता बताएगी जी। लेकिन निश्चित रूप से इसको भारत जोड़ो नाम न देके, इसको भ्रष्टाचार छोड़ो अगर नाम देते ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, हमारे सर वर्चस्व पांडे जुड़े, मेरे आवाज़ नहीं आ रही वर्चस्व पांडे को, प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन भाई जुड़े हुए, नितिन भाई आपका स्वागत है। नितिन भाई, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू होने वाली है और बहुत बड़ी यात्रा है, कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है ये यात्रा। क्या मानते हैं इस यात्रा से आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? और चूंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रहती है, तो क्या मानते हैं आने वाले समय में कांग्रेस की तरह ही कोई यात्रा निकाली जाएगी समाजवादी पार्टी द्वारा, और कांग्रेस की यात्रा से क्या बल मिलने वाला भाई? लोकतंत्र में दो व्यवस्थाएं हैं, एक सत्ता है एक विपक्ष है। सत्ता का काम है देश के लिए, देश के लोगों के लिए जन कल्याण के काम करें जी। और जब सत्ता जन कल्याण छोड़कर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए जी, पाखंडवाद में लिप्त हो जाए जी, तो विपक्ष का काम है कि जनता का ध्यान आकर्षित करे जी, और जो सत्ता के कुकर है उसको आम जनमानस तक पहुंचाए। और उसके लिए सभी पार्टियां
जो भी राजनीतिक दल है अपने अपने तरीके से काम करते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में आरजेडी और नीतीश जी की पार्टी हो, बंगाल में ममता जी, पूरे देश में जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाएंगी, क्योंकि चुनाव का वक्त 2024 जी। और अब पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक स्वर्णिम कार्यकाल, जैसा कि बता करके आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसे सुनहरे सपने जो दिखाए थे जी। उन सुनहरे सपनों को देखकर जनता किस तरीके से उनको वोट, और एक कार्यकाल को पूरा किया जिस पर दोबारा हुआ है, और उन्होंने एक अपनी पूरी योजना को मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रखा कि हम बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे और समय चाहिए, और जनता ने उन्हें दूसरा मौका आने के बावजूद जिस तरीके से देश में कई गुना कर्जा बढ़ गया, बेरोजगारी की बेइंतहा हो गई, महंगाई अपने चरम उत्कर्ष हो गई, तब जनता में जब महंगाई बेरोजगारी से निश्चित रूप से जनता ने 2024 में इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का मन बना दिया, और उसके चलते देश के तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करने के लिए निकलेंगी, जनता के बीच अपनी बात रखने को निकलेंगी, निश्चित रूप से निकलना भी चाहिए उनको अपने अपने तरीके से, जो जिसका तरीका, कोई धरना करेगा, कोई प्रदर्शन करेगा, कोई जन आंदोलन करेगा, कोई जनजागरण करेगा, कोई पदयात्रा करेगा, जो भी तरीके हैं उन तरीकों का इस्तेमाल करके लोग जनता के बीच जाएंगे, और सरकार के कुकर्मों को, और अब इन पिछले 8 से 9 सालों में जो भी केंद्र की सरकार ने देश की दुर्दशा बिगाड़ दी, यही प्रधानमंत्री कहा करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है, आज वो प्रधानमंत्री महंगाई के माँ पर कितने चर्चा करते हैं, जब डॉलर गिरता था तो कहते थे डॉलर ऐसे नहीं गिरता, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, नेताओं का रुपया नहीं गिरता, क्या कारण है भारत का रुपया गिरता है, रुपया गिरता है तो सरकार गिरती है, सरकार की जो आलोचनाएं कर सकते थे 2013 की पहले वो, मुझे तो कुछ नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो 2014 में जब आए, सिर्फ उनके 13 से लेकर 14 के बयान ही इस बार जनता के बीच ले जाएंगे, और वही पर्याप्त है उनको उनका सही आईना दिखाने के लिए। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी सलाह दी थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनको किस तरीके से इस यात्रा का नाम रखना चाहिए था, भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा रखनी चाहिए, छोड़ो यात्रा। ये सही बिल्कुल उन्होंने अपने जो सलाह दी थी, निश्चित रूप से जो जिसका अनुभव होता है वो सरचढ़ के बोलता है, ये इनका अनुभव है कि क्योंकि इन्होंने पाखंडवाद को राष्ट्रवाद के नाम से इन्होंने खूब प्रचारित किया, भ्रष्टाचारवाद को इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम से खूब प्रचारित किया, इसी तरीके से दूसरों को सलाह दे रहे हैं, तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि पाखंडवाद को जनता जान गई है। अच्छा। और निश्चित रूप से 2024 में इनका सफाया करने का काम करेगा। ठीक है, बरसस पांडे में कांग्रेस जुड़े हैं, बरसस भाई को आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है जी। बरसस भाई, भारत जोड़ो यात्रा महत्वपूर्ण यात्रा, क्योंकि भारत में यात्राओं का जो दौर रहा है वह पुराना रहा है। प्रवक्ता भाजपा रामनिवास यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा होनी चाहिए इसका नाम, क्या कहेंगे भाई? अब पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोग को नमस्कार करता हूँ। यह भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है जी, यह एक करारा जवाब है जी उन लोगों के लिए जी, जो सिर्फ चुनावी लाभ के लिए जनता को बरगलाते हैं जी। भारत जोड़ो यात्रा अन्याय के खिलाफ देश को एकजुट करने की यात्रा है जी। भारत जोड़ो यात्रा असमानता के खिलाफ देश को एकजुट करने की यात्रा है जी। इसके इसे सिर्फ एक यात्रा कह देने मात्र से नहीं चलेगा, यह एक आने वाले भविष्य की क्रांति है जी। जो देश में हो रहे गरीबों पर, कमजोर लोगों पर और मध्यम वर्ग को खत्म करने की सरकार की नीति के खिलाफ चलाई जा रही यात्रा है जी। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी एक एक व्यक्ति से जुड़ेगी और हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक ढांचे के बारे में समझाएगी और उनके
संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जागृत करेगी। इस यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग पूर्ण रूप से चाहते हैं कि देश एकजुट हो अन्याय के खिलाफ, और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा होनी चाहिए, तो इसको भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा समझ के भाजपा के साथियों को मैं कहूंगा कि आइए आप भी हमारी विचारधारा के साथ हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित होइए और आप भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए। अच्छा, तो हमारी इस यात्रा का मकसद पूरा हो जाएगा। जवाब लेंगे रामनिवास भाई से, जवाब लेते हैं। पहले सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तकी भाई, महत्वपूर्ण यात्रा है और आम आदमी पार्टी भी समय समय पर तिरंगा यात्रा निकालती रहती है, पहले भी कई यात्राएं निकाली हैं, बड़ा लगातार सक्रिय हैं। क्या मानते हैं इस यात्रा की, यात्रा से क्या कांग्रेस का लाभ होने वाला है और भविष्य में इस तरह की यात्राओं की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? साल आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी 14 अगस्त को लखनऊ में, उसके बाद निरंतर एक के बाद एक करके सारे जिलों में जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमें माननीय सांसद जी जो है इन्वॉल्व आए थे, मनीष सिसोदिया जी आए थे, नोएडा में निकाली गई, गाजियाबाद में निकाली गई, अयोध्या में निकाली गई और अलग अलग जिलों में, आगरा में निकाली गई, सब जगह निकाली गई। और हमारे ऊपर जो है हमें अनुमति नहीं दी गई, कोरोना का बहाना बनाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे थोपे गए, उसके बाद भी हमने निडर होके तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि भारत जो है अपने 75वें साल में इंटर कर रहा है और ऐसे में हमें अब तिरंगा लेके निकलने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो ये तिरंगा यात्रा ने जो है पूरा समाज, जो एक राजनीतिक परिवेश है, उसके अंदर भूकंप ला दिया और सभी पार्टियों को जो है वो यात्रा निकालने पर मजबूर कर दिया। अब ये हर पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए, कोई कार्यक्रम करने के लिए उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा ना हो के, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है और ये 13 स्टेट में निकाल रहे हैं और हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरेटरी हैं, उनको क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वो भारत को उसमें जोड़ना नहीं चाहते? और ये है कि हम भारत छोड़ो यात्रा, जोड़ो यात्रा से अच्छा हम इसको कहते हैं कि गरीबी छोड़ो यात्रा होती, शिक्षा को जोड़ने की यात्रा होती, अच्छे स्वास्थ्य की यात्रा होती, महिलाओं के अधिकार की यात्रा होती, तो ये इससे जनता। तो आप भी तिरंगा यात्रा निकाले थे, आप भी ऐसे नाम रखते भाई, आप में क्यों नाम तिरंगा यात्रा क्यों नाम रखा था? तिरंगा यात्रा, आप भी जो है गरीबी हटाई यात्रा उसका नाम रख दिया, तो तिरंगा उसमें पूरा भारत आ गया, सारी भारत समस्या आ गई। अच्छा, हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो है वो यात्रा निकालने वाले हैं, उन्होंने भी तिरंगा का नाम लगा लो, सारा उसे भारत सम्मिलित हो, तिरंगा पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता है, तिरंगा हमारे भारत का निशान है, पहचान है, जब कहीं जाएंगे आप तो आपको तिरंगा के निशान से आपको पहचाना जाएगा। तो जनता के मुद्दे हैं तो तिरंगा से आपको सम्मिलित होते हैं। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो है वो भारत को मेक इन इंडिया, मेक इंडिया नंबर वन लेता हूं भाई आपको के लिए जो है वो यात्रा निकालने, ताकि भारत को नंबर वन बना सके। अच्छा, और कैसे नंबर वन बनाएंगे? शिक्षा के जरिए नंबर वन बनाएंगे। चलिए, हम सभी लोगों से कहते हैं, आप सब लोग जो सड़कों पे यात्राएं निकालते हैं, स्कूलों को जाइए, देखिए स्कूलों का क्या हाल है, वहां यात्राएं निकालिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखिए, उनको यात्राएं निकालिए, जेलों में क्या हाल है उनको यात्राएं निकालिए, परिवहन निगम में क्या हाल है, बसों में क्या हाल है वहां यात्रा निकालिए, ताकि सामाजिक परिवेश में, समाज के सामने तस्वीरें निकल के आए। हमारे आम आदमी पार्टी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने सेल्फी विद स्कूल एक प्रोग्राम चलाया जो एक हफ्ते चलेगा, इसमें सबसे सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनके साथ सेल्फी लेंगे, खड़े होंगे, दिखाएंगे कि हमारे जो सरकारी स्कूलों के अंदर इतने अनियमितताएं हैं, कि कहीं सड़क, कहीं पे सड़कें सही से नहीं बनी है, कहीं पे कमरे सही से नहीं बने, स्कूलों में पंखे नहीं है। आपको जान के हैरत होगी, 80% स्कूल जो हैं उनके यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है। आप पूछे कैसे बच्चे गर्मी में पंखे में बैठ के पढ़ते होंगे, कैसे लाइट होंगी? तो इसके बारे में इसको समाज के सामने पटक पहनाना चाहिए था, ना कि अपने राजनीतिक लक्ष्य को सिद्धने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालना। तो इनके भी तो उद्देश्य है भाई, इनके तो उद्देश्य है असमानता के खिलाफ, जाति वर्ग के भेदभाव के खिलाफ और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ ये इस तरह यात्रा निकाल रहा है, इनका भी तो उद्देश्य जनता का ही है। देखिए उद्देश्य तो वो एक दिखाने के लिए, लेकिन उसका मेन मकसद यही है कि कांग्रेस के जो लोग निकल निकल के जा रहे हैं, छोड़ने लगातार एक के बाद सब लोग बाहर जा रहे हैं, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें बन रही है वहां कांग्रेस के लोग जाकर सरकार बनने में सहायता कर रहे हैं। अच्छा, और कांग्रेस के बतौले की सरकार बन रही है। आप भी देखिए बीजेपी में जो इतने एमपी है, जो पहली सरकार आई थी उसमें तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। अच्छा, तो कांग्रेस के लोग जो बीजेपी सरकार बना रहे हैं और इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि भाई ऐसा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं तो इसलिए लोगों को जोड़ो, साथ में लेके आओ। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कांग्रेस जो है वो एक डूबा हुआ जहाज है और बीजेपी एक डूबता हुआ जहाज। जवाब जवाब जहाज तेज चल रहा, आगे बढ़ रहा है, वो आम आदमी पार्टी का है, तो लीडर बन रहा है पूरे
पूरे राष्ट्रीय पटल पे वो अरविंद केजरीवाल बन रहा है और 2024 के इलेक्शन आते आते आम आदमी पार्टी एक विकल्प बचेगा सामने। महागठबंधन में शामिल होगा कि नहीं होगा? महागठबंधन में शामिल होगा कि नहीं होगा गठबंधन? इसका जवाब हमारे शीर्ष नेतृत्व देगा, यानी शामिल होंगे। हम बीजेपी को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे, हम जो है देश के लोगों की समस्याओं को जोड़ने के लिए, बीजेपी को रोकना से जरूरी है। बीजेपी से अदानी अंबानी करोड़पति बनाने में, यानी पूरा विपक्ष एकजुट होगा बीजेपी को रोकने के लिए। रामनवस भाई, हम बीजेपी को देखिए, बीजेपी को रोकना हमारा मकसद है कि जो जनता की पीड़ा है जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको रोका जाए। चले ठीक, अभी जीएसटी लगाए, हर चीज में जीएसटी लगा दे रहे जी। रेलवे के अंदर आप शौचालयों पे जीएसटी लगा बढ़ा दी उन्होंने। चले, दूध को किसी चीज को नहीं छोड़ा, जनता त्राहिमाम तायम कर रही, परेशान हो रही है। ठीक है, ठीक है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, देखिए हो गया ठीक, कितने मजदूर सुसाइड कर रहे हैं, चौथा आदमी जो सुसाइड कर रहा है वो मजदूर है दिहाड़ी का। ठीक है, सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, हमारे साथ भरत पत्र में अमर भाई जुड़े हुए हैं। अमर भाई, ज्ञान अनुभव है, क्या मानते हैं कांग्रेस की इस पदयात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होने वाला है? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। देखिए, यात्राएं तो बहुत निकली, जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे नेताओं ने यात्राएं निकाली जी। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह ने यात्राएं निकाली जी, तो मुलायम सिंह शिखर तक पहुंचे उत्तर प्रदेश के अंदर जी। तो आडवाणी जी ने राम मंदिर को लेकर यात्रा निकाली जी, 288 पहुंचे, 88 आज अन्य प्रदेशों में प्रचंड बहुमत है, सरकार में है, प्रचंड बहुमत से आज सेंटर की गवर्नमेंट प्रचंड बहुमत सरकार में। तो कुल मिलाकर के यात्रा निकालना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन राहुल जी ने यात्रा निकाली अच्छी बात, ये काम इनको बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन चलिए, भारत देर एक देर दुरुस्त है, फारसी का मकबूला है, देर आए दुरुस्त आए, चलिए देर से ही सही, लेकिन कम से कम खड़े तो हुए। लेकिन उससे पहले जी, उन्हें अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जो उनकी पार्टी में संघीय मानसिकता के लोग हैं पहले उनको निकालना चाहिए, वरना ये इस यात्रा वत्रा कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है। बड़ी साफ सी बात मैं आपसे बता दूँ, इसलिए कि जितना भी राहुल गांधी एक टीम खड़ी करने की कोशिश करते हैं, एक पहाड़ बनाने या एक पिलर बनाने की कोशिश करते हैं, उतने जो उनकी पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं उसको उससे पहले ढाने की भी कोशिश कर लेते हैं। उस कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्रेंसी होती रहती है उसको खत्म करने के लिए। अब आज देख लिया, आज की तारीख में गुलाम नबी आजाद जिस जनता पार्टी छोड़ चला गया, उससे पहले आनंद शर्मा पार्टी छोड़ के चले गए। तो खैर, देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जब तक गांधी कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का ही आदमी रहेगा तब तक कांग्रेस है भी। जैसे अक्सर का लोग मुद्दा उठा देते हैं कि गांधी परिवार को अलग कर दिए, किसी और को बना लीजिए, किसी और को बनाने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, 91 की बात है, नरसिम्हा राव जी बने थे, क्या असर हुआ कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस निबट गई थी। तो कुल मिलाकर के गांधी जिस तरीके से आज मोदी मोदी चिल्लाया जा रहा है कि मोदी नहीं तो कुछ नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सारे चुनाव प्रदेश उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव भले योगी जी मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। अगर मोदी को माइनस कर देते तो यकीन जान लिया 50 सीटों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट जाती, क्योंकि मोदी ही का चेहरा अन्य प्रदेशों में रहता है। तो कांग्रेस का अगर रहता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और यात्रा निकालना अच्छी बात है, कम से कम भारत जोड़ो। देखिए, जहां तक विरोध की बात है, मैं आज आपको एक बात गौरव जी और बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर राहुल गांधी इसका नाम रखते शिक्षा, मतलब करो शिक्षा, क्या कहते हैं यात्रा, शिक्षित बनो यात्रा, हाँ तो कैसे रहती, तो भी विरोध होता। वो कहते विकास करो यात्रा, तब भी विरोध होता। देखिए, जो विरोध करना है जिन्हें वो हर मामला, भारत जोड़ो यात्रा मैं समझता हूँ इतना खराब नाम नहीं है जिस पर इतनी चर्चा की जाए। तो लाभ मिलेगा इतना को? नहीं, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। देखिए एक बात और बता दें, जब आप घर से नहीं, घर में बैठे कुछ होता नहीं है जी। घर में आप बैठे रहिए, राम राम तो ले लीजिए, तस्वीर माला ले लीजिए, जपते रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप घर से फौड़ा लेके कुदाल लेके नहीं निकलेंगे, कुआं नहीं कूदेंगे, पानी चल के कदापि आपके पास नहीं आएगा। बड़ी स्पष्ट सी बात है, अगर राहुल जी ने ये काम वाकई बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन अब कराए। लेकिन मैं उन तमाम कांग्रेसी जो कॉन्फ्रेंसी करते हैं या बीच में वो करते हैं उनको साथ रहना चाहिए। देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है, जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब फरमा रहे थे कि भ्रष्टाचार, आप बताइए भ्रष्टाचार आज की हालत में क्या है, भ्रष्टाचार क्या नहीं है, खत्म हो गया है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं करती थी, इस बात को मैं कतई ही नहीं करता, ना ही मैं कोई क्लीन सर्टिफिकेट देना चाहता हूँ कांग्रेस को, लेकिन वर्तमान में भी भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है गौरव जी। आप देख लीजिए, अभी कल एक आग लगी है लिवाना होटल में, कई लोग उसमें मर भी गए, तमाम लोग जख्मी है, घायल है, अस्पताल में भर्ती है। आप बताइए, वो आवासीय जगह थी, कॉमर्शियल चलाई जा रही थी, क्यों, क्या इन अधिकारियों ने यूं ही कर दिया? आज की तारीख में कितना अपार्टमेंट लखनऊ के अंदर बन रहा है, कितने कॉमर्शियल अपार्टमेंट लखनऊ में भी है, समझे नहीं। लेकिन बावजूद इसके कि सारे अधिकारी पर स्लेब 1,00,000 रुपए लेकर के और 3,00,000 रुपए तक पर स्लेब के ले रहे हैं और महीना अलग ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ रुका है, किस सरकार ने रुका है? और जैसे अभी भाई कह रहे थे कि अडानी और अंबानी, इसमें कोई दुराय नहीं कि कांग्रेस सरकार चाहे जितनी खराब रही हो, लेकिन आम आदमी को रोजगार था, चलिए अब आम आदमी को रोजगार नहीं है, है। मैं भाजपा की किसी विरोध में या किसी बुक्स में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आम आदमी महसूस कर रहा है, आज नहीं तो कल इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। प्रताप भाई,
आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं, सैयद मोहम्मद तकी की बात आपने सुनी, आमिर साबरी भाई की बात सुनी, नितिन सिंह यादव की बात आपने सुनी, अपना जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि कांग्रेस को यात्रा का नाम शिक्षा से, रोजगार से और क्या क्या नाम देना चाहिए, तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहूंगा कि आप तिरंगा यात्रा छोड़ करके शराब बेचना बंद करो, यात्रा चलाओ। अच्छा। भ्रष्टाचार बंद करो, यात्रा चलाओ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपके साथ जितने भी समाज सेवी लोग जुड़े हुए थे, वह सभी लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलने, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने को तैयार है। आपने कहा कि हमारे पास 28 स्टेट हैं और ये अभी 19 स्टेट की बात हो रही है। ये हमारी यात्रा का पहला चरण है जिसमें हम कन्याकुमारी से कश्मीर जोड़ेंगे, अगले चरण में अगली बाकी राज्यों को जोड़ेंगे। तो आप चिंता अपनी करिए, क्योंकि इस समय इस देश में दो लोग, दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, देश को बांटने का काम कर रही है। जहां भाजपा संप्रदायवाद फैला रही है हिंदू मुस्लिम में, वहीं आम आदमी पार्टी आज पंजाब में खालिस्तानियों को जिस प्रकार से सपोर्ट कर रही है और खालिस्तानियों का झंडा बुलंद कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। मनीष सिसोदिया के ऊपर शराब बेचने का और भ्रष्टाचार करने का आरोप किसी से छुपा नहीं है। खैर, मैं इन सब बातों को नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज का आपका मुद्दा है भारत जोड़ो यात्रा, तो मैं इसके ऊपर आपका प्रकाश डालना चाहूंगा। आज के समय में हमारे देश में भारत जोड़ो यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा निकाली थी, उस समय विदेश से आए लोग हमारे देश में राज कर रहे थे और हमारे देश को लूट रहे थे और हमारे देश में समानताएं फैला रहे थे। आज भारत को जोड़ने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश में रहने वाले कुछ दुराचारी प्रवृत्ति के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और युवाओं से रोजगार छीना जा रहा है। जीएसटी की महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज किसी से छुपा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी भी असमानताएं हमारे देश में, चाहे जीएसटी के लेवल पर हो, नौकरी के लेवल पर हो, जाति के लेवल पर हो, वर्ग के लेवल पर हो, जहां पे भी असमानता हो, जहां पर भी अन्याय हो, उन सब के खिलाफ मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाए, आए मिलकर भारत जोड़े, जिसमें हमने हर पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी राज्यों से हमारी यात्रा गुजरेगी, वहां के जितने भी सीएम होंगे, अगर वह भाजपा के लोगों, उनको भी हमने इनवाइट किया कि आप भी आइए हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हमारा सपोर्ट करने के लिए अपनी हामी भरी है। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वो सब हमारे साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा में इस पूरे 3000 दिन कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, जिसमें इनके ही पुराने सहयोगी योगेंद्र यादव जी भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। खैर, इनको इस बात का दुख हो रहा होगा कि कांग्रेस के पास यह आइडिया कैसे आ गया कि भारत जोड़ो यात्रा। फिलहाल तो तकी भाई हमारे आम आदमी पार्टी का प्लान फेल होता दिख रहा है। अच्छा, एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने अपनी शिक्षा की बात बोली, तो दिल्ली में जिस शिक्षा के ऊपर ये बहुत ज्यादा सेखी बघारते, उस शिक्षा का स्ट्रक्चर हमारी आदरणीय नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने रखा था और उस विद्यालय में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, सिर्फ एक टाइल्स लगवा लगवा करके फोटो खिंचवाने का काम इन्होंने किया। अच्छा। और कुछ नहीं किया है। अच्छा, ठीक है, मुझे बोलना चाह रहा टकी भाई, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, कांग्रेस जो है वो जो इल्जाम लगा रही, तो इनको पता नहीं होगा आबकारी घोटाला क्या है, क्या शराब घोटाला क्या, ये बताइए जरा हमको चस पांडे जी, क्या घोटाला शराब क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में, तो प्रकाश डालिए उसके ऊपर। आप बता रहा हूँ, मुझे तो पता है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आइए आप आइए, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ दीजिए, आइए आप शराब घोटाले पे बात, बताइए शराब घोटाले, बताइए क्या शराब घोटाला, आइए आपको हम बता देते हैं। वहां पर मनीष सिसोदिया जी ने, आपके नेता मनीष सिसोदिया ने गलत तरीके से गलत लोगों को वेंडरशिप दिया और आवासीय क्षेत्रों में विद्यालयों के बगल में शराब की दुकान खोलने की परमिशन दी, एक के ऊपर एक शराब फ्री बिकवाया, जिससे वहां पर शराब की मात्रा ज्यादातर ज्यादा लोग वहां पर शराब खरीदे और ज्यादा ज्यादा वहां की शराब बिके और ज्यादा ज्यादा मुनाफा हो, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को फंड के रूप में हो, जिससे वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करे और आतंकवादियों को इस देश में पनपने का राह दिखाए। आप जो बातें कर रहे हैं सब कोरी बकवास है, इसके अंदर कहीं भी हकीकत नहीं है। और आप कोई बकवास आज तक सीबीआई के साथ दे सकता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट निकाल नहीं पाई उसके खिलाफ, और जो आपके भी नेताओं के पीछे पड़ी है, जो आपकारी नीति की बात कर रहे हैं, आपके भी नेताओं के पीछे पड़ी है, और सभी लोगों से चलते बात,
उस विधानसभा में आप जीरो हो गए बात अलग है, लेकिन सबके सहमति के साथ आपका सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया दौरान जब शराब बिकनी बंद हो गई और जिस प्रकार से आज आतंकवाद को सपोर्ट करने का शराब बिकनी बंद हमारे देश में बारी-बारी बोलिए। जब शराब बिक्री कोरोना के दौरान कम हो गई थी तो इन्हीं व्यापारियों ने लगाया था एमसीडी के अंदर कि हमारी शराब बिक्री बंद हो गई, आप स्टेशन हमारी शराब के ऊपर टैक्स कम करिए, टैक्स लगे कम करिए, तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में गए थे, और यही आपके सारे प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन पे हुआ था जो रेलवे मिनिस्टर ने किया था। तो सारी चीजें जो हमने उसमें किया है, चेंजेस किए थे, वो कोर्ट के आदेश के बाद किए थे। आबकारी घोटाला कुछ भी नहीं है, ये भ्रमकता फैलाई जा रही भारतीय जनता पार्टी के साथ द्वारा, और उसमें कांग्रेस ने भी हाथ मिला लिया। अच्छा। तो कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात में इनका सुपड़ा साफ होने वाला, जो दिल्ली में हाल हुआ था जीरो आ गए थे, वही गुजरात में जीरो होने वाले, हिमाचल में आम आदमी पार्टी आने वाली है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी आने वाली है, तो ये परेशान हो गए उससे। और राष्ट्रीय पटल के ऊपर आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, इसलिए ये कांग्रेस की लोग बीजेपी के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अच्छा। और इनके पास कोई सबूत नहीं है। मैं दावा करता हूँ आज भी आपके चैनल के जरिए, अगर एक सबूत ये दे दे कि ऐसा हुआ है तो आम आदमी पार्टी जो है कड़ी कार्रवाई करेगी, जो भी इन्वॉल्व है। आज तक जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की जो बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया है कि आप स्कूल देखिए, बीजेपी के नेताओं को बुलाया, गौरव भाटिया साहब आए थे स्कूल देके भाग गए, इतने 12,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए हैं। और आम आदमी पार्टी की ताकत है कि जो लोग भाजपा के गृह मंत्री थूक लगा के पर्चे वार्ड में दिल्ली में, आज गुजरात में स्मार्ट क्लासेस के रूम की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा है कि हमने बीजेपी को झुका दिया है, ठीक है, कि आज वो अपनी गुंडागर्दी को छोड़ के, भ्रष्टाचार को छोड़ के आज वो स्मार्ट क्लासेस कर रही है। बीजेपी रामनाथ भाई से बात लेता हूँ, ठीक है हो गया, समय कम है। रामनाथ भाई, आपने गुंडागर्दी छोड़ दिया है हमारी पार्टी के डर से, ऐसा सैयद मोहम्मद तकी जी का कहना है? नहीं, तकी जी का अपना विषय है जी, कांग्रेस के हमारे मित्र उनका अपना विषय है जी। भाई जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सारे नेता भ्रष्टाचार में बेल में है जी, वैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जी, अब इनके एक मंत्री लगातार जेल बंद है जी, उनको भी कहते थे जी कि फतेह जैन ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, जैसे मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जैसे जेल गए कोर्ट ने साक्ष्य देखा उनको बेल देने से मना किया। चिंता मत करिए, अभी ये भी कट्टर ईमानदार निकलेंगे जी। जैसे जेल में जाएंगे मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार निकलेंगे, क्योंकि ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, खाली नाम बदलते कट्टर ईमानदार, लेकिन जो भी इनका नेता जेल जाता है फिर लौट के नहीं आता है। इसलिए चिंता मत करिएगा तकी जी, चिंता मत करिएगा, जो भी भ्रष्टाचारी है चाहे कांग्रेस में हो चाहे आम आदमी पार्टी में, कोई बक्सा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार का जो अभियान जारी है आगे भी चलता रहेगा नहीं, और इसीलिए दोनों दल परेशान हैं। इसलिए कांग्रेस ने जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस ही भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए थी, और आम आदमी पार्टी के नेता कहते कट्टर ईमानदार, और जैसे इनका नेता जेल में जाता है उससे बड़ा कोई ईमानदार नहीं बचता है। इसलिए इसलिए धैर्य रखिए, सबका कांग्रेस भाजपा एक है, कोई बता रहा है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक है। भाई जोड़ो यात्रा की यहाँ बात की जा रही है और यहाँ पर एकता की बात की जा रही है, अब एकता चुनाव के समय कहाँ जाती है? और समाजवादी पार्टी जो है क्या अभी ऐसा सोच रखती है कि आने वाले समय में इस तरह यात्रा निकालेगी, और एकता पे क्या बोलेंगे भाई? देखिए जी गौरव जी, राजनीति है, सभी पार्टी अपने अपने अस्त्र लड़ाई लड़ रही है जी, चाहे हमारे आम आदमी पार्टी के साथी हो या कांग्रेस पार्टी के साथी हो जी। और आजकल चूंकि दो तीन राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, दोनों में बड़ा नेता बनने की होड़ है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे पर अपना कमेंट्स करें, मुझे इन लोगों के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना है जी। मेरा तो सिर्फ आज का मुद्दा ये है कि आज की डिबेट जो है जी, और ये आज की डिबेट नहीं है, इस देश के हालात है जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश को सैकड़ों वर्ष पीछे किया है जी, जो देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो भी सरकारें रही हूं जी, प्रदेश की तमाम सरकारों ने धीरे धीरे इस देश को 70 सालों में जिस तरीके से एक पटरी पर लाए थे जी, इस देश को
जिस तरीके से 14 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया जी। और इतने बड़े बड़े सपने दिखाए कि आम जनता को लगा कि अभी तक का जो विकास हुआ है यह नाकाफी है। अच्छा, इस पिछली इसकी तुलना है, इस तुलना से बहुत आगे जाना चाहिए था इस देश को जी। और उस सब जवाब को देखकर देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया जी। लेकिन एक मौका नहीं, दो मौके दिए। दो मौकों पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जो सरकार होनी चाहिए थी वो देश की सरकार नहीं है, हम दो और हमारे दो की सरकार होकर रह गई। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इस देश में लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों में गरीब आदमी का आता है जी। दो लोगों को मात्र इतनी कृपा करके लोन दे दिए जा रहे हैं और वह संस्थान भी आज घाटे की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम सर्वे आ रहे हैं कि वो घाटे के संस्थान है और जो संस्थान हमारे सरकारी संस्थान थे, पीएसयू थे, जो भारत सरकार को फायदा पहुंचाते थे उनको उनके निजी हाथों में लेकर उनको निजी फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो ये देश की जनता अब जागरूक हो गई, जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश को निजी हाथों में बेच देने का काम किया है घोषित रूप से, अगर इसको इस देश को बचाना है तो हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से बेदखल करना होगा, तभी इस देश सुरक्षित रह पाएगा, वरना इस देश पुनः गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा किया और अंग्रेज इस देश पर काबिज हुए। आज ये दो कंपनियां हैं जो पूरे देश पर कब्जा करने की ओर अग्रसर हो रही हैं, जिसमें इसको पूरा गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो ये कभी भी झोला लेकर के चले जाएंगे और देश को बर्बाद कर जाएंगे। ठीक है, जवाब लेते हैं रामनवास भाई। रामनवास भाई अपनी जवाब दीजिए। नितेन सिंह जी जो बात कह रहे थे ये तो इनकी बौखलाहट है भाई। ये दो चुनाव की बात करते हैं, मैं तो 2014 से 14 में भारतीय जनता पार्टी को देश जनता ने समर्थन किया, 17 में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश जनता ने समर्थन किया, 2019 में समर्थन किया, 2022 में समर्थन किया। अगर ये बेरोजगारी की बार बार बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश जनता ने इनको बेरोजगार कर दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा। सरकार क्या कर सकती है? अब जनता इनको रोजगार देना ही नहीं चाहती जी, तो उसमें हम लोग क्या कर ले जी? अब इसीलिए इनकी फड़फड़ाहट है और जिस प्रकार से इनके चाचा भतीजे पिताजी आपस संघर्ष चल रहा है, मैं तो महाभारत काल में देखा था, मैंने सुना था कि महाभारत में कंस ने अपने पिता को गद्दी से हटा के कब्जा किया था, उनको जेल में डाल दिया था। ये तो शुक्र मनाइए कि 2017 के बाद योगी जी आ गए, वरना वही हाल मुलायम सिंह जी का होता। अच्छा, जो महाभारत काल में कंस ने अपने पिता के साथ किया था। अच्छा। और ये कहते हैं कि जो है कि हम देश को आगे ले जाएंगे, देश छोड़िए प्रदेश में भी कहीं आपका खाता नहीं खुलेगा 2024 में। अच्छा। क्योंकि प्रदेश जनता जान गई है समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडों की पार्टी, और समाजवादी पार्टी का तो नाम ही गलत हो गया, अब ये समाजवादी पार्टी हो गई है, इसलिए इसका कहीं नहीं पनपने वाला है। और नितेन सिंह जी मेरे मित्र है, इससे मेरा आग्रह है कि छोड़िए ऐसी पार्टियों को, आइए राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। अरे नितेन जी, जो काम कंस ने किया था अपने पिता के साथ गद्दी से उतार के उनको जेल डाल दिया था, वही काम अखिलेश यादव जी ने किया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश जनता ने उनको नकार दिया है। गंगा स्नान कराने वाले लोग ये क्या जाने देश के इतिहास को, क्या जाने धर्म के इतिहास को जी। मैं तो कहता हूँ धर्म के इतिहास में जो बेखबर हो जाएगा, धीरे धीरे खोके खर हो जाएगा। तो राम निवास जी योगी जी आगे इतिहास को गलत तक प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर दोबारा ये तर्क समाजवादी पार्टी पर लागू नहीं होता है, ये तर्क लागू होता भारतीय जनता पार्टी पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुरु धक्के मार के पार्टी से बाहर निकाल दिया और वो आज बेचारे को भवन में उनका कुछ अता पता नहीं है। तो इनको देखना चाहिए कि ये उस परंपरा के लोग हैं। रामचरित में एक चौपाई आई है, राम निवास जी सुनेंगे,
जाते नीच बढ़ाई पावा जी, सुनिए सुनिए सुनिए, रमेश चौक सत्ता के लिए व्यक्ति वो राजा अपने पिताजी को जिसके माध्यम से बढ़ाई मिलती है, गिरफ्तार कर अडवाणी जी बेचारे जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनाया और अजय अटल जी 18 तक बचाया, उन अडवाणी जी की दशा कहाँ है ये किसी से छुपी नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रामचरित मानस कह रही है कि जाते नीच पढ़ाई पावा सो प्रथम अंतिताई नसावा। तो रामचरित मानस का उदाहरण जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं अपने गुरु लालकृष्ण अडवाणी जी को आज कहाँ है पता करें। ये कंस वही है क्योंकि गुरु भी पिता के समान होता है और ये नरेंद्र मोदी जी पर लागू होता है। उन्होंने अपने पिता समान लालकृष्ण अडवाणी को दिया था जिस तरह से भारत के अंदर जो लोग पैसा कमाने वाला वर्ग है, जो रोज आमदनी करता था रोजगार वर्ग है, उसके रोजगार जिस तरह छिने हैं और जिस तरह से एक बहुत बड़ा गैप हुआ है भारत के अंदर कि अमीर बहुत अमीर होते गए और गरीब होते गए, तो मोदी जी एक ऐसा देश बनाने में लगे हैं जहाँ दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी होगा और आधी आबादी देश की जो है वो कूड़े से रोटी कमा के रोटी लेके खा रही होगी। तो ऐसा देश, इस तरह का देश हमें नहीं बनाना। हमें भारत को जो है पूंजीपतियों का देश नहीं बनाना है, हमें अदानी अंडानी का देश नहीं बनाना, हमें भारत को 137 करोड़ देशवासियों का देश बनाना है। सबको नौकरी मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलनी चाहिए। भाजपा ने पहले सरकारी नौकरियों से पेंशन खत्म कर दी, अब भाजपा सरकारी नौकरियां खत्म कर दे रही है। अब कह रही है जो वेतन बढ़ता था सरकारी कर्मचारियों का हर साल, वेतन आयोग आता था वो भी खत्म किया, वो भी नहीं होगा। लगातार जीएसटी बढ़ाती जा रही है। तो जो जनता पे जो दुख है, जो प्रेशर है, उसको फील करिए, समझिए कि लोग किस तरह से चार रोटी कमा के आते हैं, उसमें से तीन रोटी बीजेपी टैक्स ना पहले आती है। ताकि भाई टैक्स का आतंकवाद पूरे देश में फैला हुआ है। ताकि भाई आप पंजाब और दिल्ली में क्या वहां पर आप इस तरह की व्यवस्था लाएंगे कि कुछ अलग करेंगे नौकरी के लिए या पेंशन के लिए कुछ, जैसे आपके प्रपोजल आपके प्रस्ताव? आम आदमी पार्टी लगातार जब से पंजाब में सरकार आई है, जब से दिल्ली में सरकार आई है, हमने वहाँ लोगों की भलाई का काम किया, बिजली फ्री करी, बिजली फ्री बात नहीं कर रहा भैया, काम किया, स्कूल का काम किया, नौकरियां दी युवाओं को, हमने वहाँ सम्मेलन लगाया युवाओं को। और देखिए कल ही हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो वहाँ लोग अनियमित टीचर थे उनको नियमित कर दिया है। हम सिपाहियों की भर्ती कर रहे हैं, लगातार लोगों को रख रहे हैं। भाजपा शासन के दौरान एक नियुक्ति नहीं हुई, पुरानी नियुक्तियां थी लोगों को संवेदा पे रख दिया, ठेके का मजदूर बना दिया लोगों को, उनको 5,000, 6,000, 10,000 मिलके ठेके का मजदूर बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जनता त्राहिमाम त्राहिम कर रही, परेशान है जनता, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, सोसाइटी की ले रही है, हत्या की ले रही, सरकार कैसे बन रही है। बाकी मेहमानों को भी लेना, प्रताप भाई अपनी बात पूरी करिए, प्रताप भाई अपनी बात पूरी करिए जी, बोलिए। देखिए भाजपा वाले, भाजपा के लोग बार बार, नेता जो है बार बार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार छोड़ो यात्रा निकाले जी। तो जिनके बाप दादा, जिनके पुरखे कभी दांडी यात्रा में शामिल नहीं हुए, कभी देश के स्वतंत्रता संग्राम की आजादी में शामिल नहीं हुए, अंग्रेजों की दलाली करके अपनी आरएसएस जैसी संस्था बना करके देश को टुकड़ों में बांटने का काम किए, वो लोग हमें ज्ञान न दे तो ज्यादा अच्छा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आज जो मुहिम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चला रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उस मुहिम का आपको सकारात्मक पहलू आने वाले 5 महीनों बाद देखने को मिलेगा जी। बस यही मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। ठीक है, हमारे साथ अमर भाई बात जुड़े हुए हैं। अमर भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए बात चल रही थी, बात थी यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, बात आ गई भ्रष्टाचार पे। और जब भ्रष्टाचार की बात तक बात आ गई तो ये बात तो आप मान लिए गौरव जी, कोई भी पार्टी कोई दूध की धुरी नहीं है, सब भ्रष्टाचार की दलदल में पैर के नाखूनों से लेके गले तक डूबे हुए हैं। हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, और विशेष तौर पर हम लखनऊ की बात कर लें, तमाम थाने बिकते हैं और तमाम थाने मुखबिर और दलाल चला रहे हैं। ये वो कड़वा सच है जो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप, हम पुराने लखनऊ में रहते हैं, पुराने लखनऊ के अमीनाबाद, सादतगंज, कैसरबाग, सारे थाने मुखबिर चला रहे हैं या दलाल चला रहे हैं। आप छोटे छोटे मामले में चलाइए, खाली गाड़ी के चलान हो जाता है तो एक दलाल 500 रुपए लेके गाड़ी छुड़वा देता है। इससे ज्यादा शर्म की बात
और अफसोसनाक बात क्या हो सकती है गौरव जी, और बात भ्रष्टाचार के खत्म क्यों नहीं, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म है? अभी हम इससे पहले बता चुके हैं आपको कि तमाम जो यहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, अपार्टमेंट बन रहे हैं, तमाम 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक जेई लेता है। अब जेई लेके उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने आप खा जाए, सब ऊपर तक जाता है। ऊपर कहाँ, कोई ईश्वर तक नहीं जाता है, ऊपर का मतलब चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री, इससे ऊपर नहीं। एक नई बात मैं आपको और बता दूँ, आपकी बातों में याद आ गई, बात होना चाहिए कानून व्यवस्था के ऊपर। अभी मैं आपको बताऊं तो 1 अगस्त की घटना है, एक धर्मशाले को लेकर के मारपीट हुई है भयानक लखनऊ के अंदर, कल वो आदमी मर गया, आज वो पूरा जाम लगाए थे डालीगंज पुल पे लेकर उसकी लाश को लेकर के। अब आप बताइए, वो भाजपा नेत्री हैं और वो पूर्व पार्षद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं वजीरगंज वार्ड से। अब आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार और अराजकता और गुंडागर्दी किस हद तक है। जहाँ तक सवाल सारे लोगों ने मोदी जी पर उठाए, तो एक बात तो ईमानदारी की, मोदी जी ने कहा था मैं 15 लाख दूंगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज की तारीख में वो धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए जो सरकारी लोग थे वो निजी होते जा रहे हैं। हद ये हो गई कि रेल तक निजीकरण, रेलवे तक का निजीकरण हो गया। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और जहाँ तक जीएसटी की बात रही, अब सिर्फ मरघट पे जीएसटी बाकी रह गई है, बाकी मैं नहीं समझता हूँ कहीं जीएसटी बची। ताकि मैं अपनी बात पूरी कर 30 सेकंड में जल्दी। देखिए मैं 30 सेकंड में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने बहुत देर कर दी आते आते। अब आम आदमी से पार्टियां जो बहुत एक्टिव है, जनता उनको पढ़ चुकी है, साबित कर चुकी है, वो मौका देगी कांग्रेस को आगे बढ़ने का। और ये प्रयास जो है कांग्रेस का वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इससे कोई ज्यादा फायदा होगा। आम आदमी पार्टी बताएगा, ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर चर्चा की और चर्चा यहाँ पर ये थी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कहाँ तक सफल होगी, पर यहाँ चर्चा का मूल उद्देश्य जो था वो अलग हो गया। यहाँ पर बात चलने लगी भ्रष्टाचार की, और यहाँ पर हर पार्टी अपने आप को जनता का हितैषी बताती नजर आ रही है, और हर पार्टी बता रही है कि जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। जनता के लिए बेहतर काम कौन कर रहा है, धरातल पर संघर्ष कौन कर रहा है, ये सब कुछ दिखता है। जनता जनार्दन सब जानती है, कहा जाता है पब्लिक है सब जानती है, निश्चित रूप से पब्लिक सब जानती है, और पब्लिक जानने के बाद ही अपना वोट देती है और सरकारें बनवाती है और सरकारें गिराती भी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से क्या लाभ होने वाला है, कितना भारत जुड़ेगा, कितनी कांग्रेस मजबूत होगी, ये वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि निकाय चुनाव और जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, उसके पहले पार्टियों में जोर आजमाइश का दौर लगातार जारी है, और सारी पार्टियाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रही हैं और अपने आप को आगे बताने की बात भी कर रही हैं। जनता के लिए संघर्ष और जनता के लिए मुद्दे और जनता के लिए धरातल उतरने की बात यहाँ पर केवल और केवल ट्वीट की राजनीति और कागजों में ही नज़र आ रही है, और जनता जनार्दन भी जानती है कि जो हमारे लिए उतरेगा हम उसी का साथ देंगे, और जनता उन्हीं संघर्ष करने वालों के साथ रहती है जो जनता के लिए संघर्ष करता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी पहले सत्ता में नहीं थी तब संघर्ष करती नजर आ रही थी, और अगर कांग्रेस और अगर समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करेगी तो तस्वीर बदल सकती है, पर तस्वीर बदलने के लिए यह प्रयास जरूरी है और प्रयास के साथ संघर्ष जरूरी है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जनति नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।